नाज़रीन आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज का सबक नंबर 24, अपनी इज्जत आप करो। अगर तुम चाहते हो कि और लोग तुम्हारी इज्जत करें तो ज़रूरी है कि अव्वल तुम अपनी इज्जत आप करो। इस बात से तुमको ताज्जुब होगा कि हम आप अपनी इज्जत क्यों करें, क्यों कर करें? क्या अपने आप को औरों से बड़ा समझें, दूसरों को हकीर जाने? नहीं, ये तो बहुत गुरूर की बात है। ऐसी बुरी सलाह मैं तुमको हरगिज़ न दूंगा। तुम अपनी इज्जत आप करो। इस बात के कहने से मेरी मुराद ये है, तुम किसी के साथ ऐसा बुरा सलूक ना करो जो वे तुमको बेइज्जत समझें या तुम्हारी बेइज्जती का इरादा करें। जो शख्स अपनी इज्जत चाहता है वो सबको इज्जत की नज़र से देखता है, ना बुरा कहता है, ना सुनता है, ना औरों को हतक करता है, ना जिल्लत उठाता है। जो शख्स औरों को झिड़कता, सताता, गालियाँ देता है, वो खुद भी सुनता है। बदज़ात आदमी की हर बात का हरगिज़ जवाब ना दो, ना उसके पास बैठो। ऐसे शरीरों की सोहबत तुमको कमीनेपन की बातें सिखा देगी, फिर कोई तुम्हारी इज्जत ना करेगा। इसके नीचे ये एक मिसरा है, इसे पढ़ते हैं। बद की सोहबत में मत बैठो, इसका है अंजाम बुरा। बद न बने तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। अल्फाज मानी कर लेते हैं। ताज्जुब हैरत, हतक रुसवाई जिल्लत, अंजाम नतीजा शरीर फसादी, सुलह मशवरा। उम्मीद है कि ये भी आपको सबक पसंद आया होगा। शेयर करिए, लाइक करिए और डिस्क्रिप्शन में कायदे की वीडियो जो उर्दू सीखना चाहते हैं उनके लिए। शुक्रिया।